अब इसका जोर किन पर चलता है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, फायदा करात अल कुरान फस्ताइद बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो क्या करा करो, तुम आउज बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लिया करो कुरान पढ़ने लगो। अब कुरान को बुरी चीज तो नहीं है, कायनात की सबसे अफजल तरीन किताब है, लेकिन मालिक कह रहा है कि जब तुम इसको पढ़ने लगे तो मेरी पनाह में आ जाया करो इस रजीम से। क्यों? कि इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अल्लज़ीन आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इसका जोर उन पर नहीं चलता जो अपने रब पर तवक्कल करते हैं और ईमान लाते हैं। उसका जोर इन्नमा सुल्तानुन इसका जोर तो उन पर चलता है जो शिरक करते हैं और उसको अपना दोस्त मानते हैं। अब ये अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बता दिया। अब मुझे और आपको सोचना है कि मुझ पर अगर कोई जिन का असर हो गया है, मेरे घर पे हो गया है या मेरे मामलात खराब हो रहे हैं, तो अल्लाह तो कह रहा है कि इसका जोर उन पर नहीं चलता जो मुझ पर ईमान लाते हैं और तवक्कल करते हैं। तो मैं तो मुवाहिद हूं, मैं तो पांच वक्त का नमाजी हूं, मैं सबका खिरात हज का सब कुछ करता हूं, उसके बावजूद मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे मामलात इस तरह हो रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह की बात हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेकर बल्कि उससे पहले जो एक प्रोसेस शुरू होता है इंसान का दुनिया में आने का, उसके ऊपर तक की रहनुमाई, कब्र में उतारने तक की रहनुमाई फरमा कर गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर से मेरा भाई इसको बात को सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मियां बीवी आपस में मिलें, जब निकाह करें, तो पहले क्या हुक्म है कि मियां अपनी बीवी के पेशानी के बाल पकड़ के दुआ पड़ेगा, है ना, रहनुमाई है। फिर उसके बाद जो अपनी जरूरत है उसके मुताबिक वो दुआ पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे शैतान पीछे हट जाता है। ये नबी अलैहिस्सलाम की बात है, गौर करिएगा इस पर। जो नहीं इसको पढ़ता वो साथ मिलके बत्ती करता है, बल्कि वो सब कप ले जाता है। अब ये उस नुत्फे की बात कर रहा हूं जो इब्तदा होती है इंसान के पैदाइश की, वो प्रोसेस की, उसके ऊपर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमा दी। आपने फरमाया कि जो ये दुआ नहीं पढ़ता बल्कि शैतान भी उसके साथ बत्ती करता है, वो सब कत ले जाता है। जो ये दुआ पढ़ लेता है वो पीछे हट जाता है, वरना वो कुरान की दूसरी आयत में वो हिस्सा डालता है, औलादों में, माल में भी हिस्सा डालता है। अब इससे ज्यादा क्या रहनुमाई होगी? कुरान कहता है कि दो बंदे, ईसा अलैहिस्सलाम और उसकी मां मरियम अलैहिस्सलाम, ये वो हैं जिनको शैतान, जिसको जिन ने नहीं छुआ, और एक सहाबिया अमार बिन जासर रज़ियल्लाहु ताला, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अमार बिन जासर, तुझको शैतान ने नहीं छुआ। चौथा वो बच्चा होगा जिसके वालदैन ने अपनी सही जरूरत से पहले इस दुआ को पढ़ा, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निबनी शैतान व मार ज़क्ताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर गारंटी है कि अगर अल्लाह ने उसको उस दिन वो औलाद से नवाजा, वो बच्चा या बच्ची, औरत या मर्द, जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा कभी उसको जिन शैतान छुएगा नहीं, ये गारंटी है। ये शैतान से बचने के तरीके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, पैदाइश से पहले से लेकर कब्र तक उतारने का तरीका।